हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर क्लास 8 ML अग्रवाल ये एक्सरसाइज करने वाले हैं। काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है, काफ़ी सिंपल स्टेप्स में हम लोग सीख जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इवेल्युएट करना है 3 to the power 5 का होल माइनस 2। यहाँ सबसे पहला चीज़ देखिए क्या है, ये जो माइनस है इसको कैसे रिमूव करें, ये जो माइनस है इसको कैसे रिमूव करें। इसको रिमूव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल करते हैं। जैसे ये 3/5 है, इसको आप 5/3 कर दीजिए। इससे क्या हुआ, ये माइनस रिमूव हो गया। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, 5/3 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, आंसर आ गया। देखिए अच्छा, -3 to the power -3, इस माइनस को कैसे रिमूव करें, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। इसका रेसिप्रोकल, साइन मत चेंज करिएगा, साइन जहाँ है उसको वहीं रहने दीजिए। इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ, 1/3 टू दी पावर क्या हुआ है 3, माइनस रिमूव हो गया। 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस है, पावर क्या है ऑड है, जब भी यहाँ माइनस हो और पावर ऑड हो तो माइनस रहेगा, लेकिन यदि पावर इवन हो तो ये माइनस नहीं रहेगा। तो माइनस लिख दिया आपने, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, मतलब ये आपका -1/27 इसका आंसर हो गया। अब देखिए 2/7 to the power -4, सबसे पहला काम माइनस को रिमूव करना है, तो माइनस को रिमूव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 7/4 to the power 4। अब क्या करना है, 7 to the power 4 मतलब 7 को 4 बार मल्टीप्लाई करिए, 7 7 49, 49 × 49 कितना होता है 2401, 2401 बाई 2 to the power 4, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करिए, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, मतलब ये हो गया आंसर। इस तरह से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए, 2 to the power -1 +4 to the power -1 +3 to the power -1 (whole bracket)-1, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, काफ़ी आसान। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन, सबसे पहला स्टेप ये जो माइनस दिख रहा है इसको रिमूव करिए, 2 to the power -1 इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 रेसिप्रोकल, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 माइनस रिमूव, 4 है तो ये 1/4 माइनस रिमूव, 3 है तो ये 1/3 इसका भी माइनस रिमूव, 2 to the power -1 इसको रहने दीजिए। अब देखिए इसका एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, 2, 4 और 3 का एलसीएम कितना 12 को 2 से डिवाइड 6 6 × 1 6, ये तो आप जानते ही हो, 12 को 4 से डिवाइड 3 3 1 3, 12 का 3 से 4, ये कुछ ऐसा आया 2 to the power -1, ऐड कर दीजिए कितना मिलेगा 13। देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा 13 by 12 (2 to the power -1)। अब इस माइनस को रिमूव करना है, इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या 12/13, देखिए आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए, 4 to the power -1 -5 to the power -1 (square bracket)-2, 5/8 to the power -1, इसे हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। काफ़ी सिंपल तरीके से देखिए हम लोग इसको कर सकते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट है इसको रहने दीजिए, 4 to the power -1 माइनस को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसका रेसिप्रोकल करते हैं, ये 4 है इसका रेसिप्रोकल 1/4 -5 to the power -1 रेसिप्रोकल कर दीजिए, माइनस रिमूव हो गया, ये ब्रैकेट पावर 2 है इसका भी रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो क्या होगा 8/5 माइनस रिमूव हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, अब बताइए इसका एलसीएम 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा 20 20 डिवाइड बाय 4, तो क्या 5 1 5 और यहाँ से 4 इंटू क्या है 8/5, 5 माइनस 4 क्या मिला 1 1/20 मल्टीप्लाई किसके साथ 8/5 के साथ 8/5। अब देखिए 4 2 4 5 और एक बात देखिए, ये स्क्वायर था
ऊपर स्क्वायर था ना, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 1/20 दो बार, 1/20 दो बार, तो यहाँ मैं एक बार और 1/20 लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, 2 10s 20, ऊपर सारा नंबर कट गया, ऊपर सारा नंबर कट गया, मतलब ऊपर क्या है 1, नीचे देखिए क्या है 5 5s 25 × 10 क्या है 250, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखिए, 4 to the power 0 + 4² - 2³ (3⁻²⁻²). काफ़ी सिंपल है, एक्सपोनेंट्स में याद रखिए, कभी भी आपको पावर जीरो दिख जाए उस पूरे इक्वेशन का या उस पूरे टर्म का वैल्यू 1 होता है। मतलब 4 to the power 0 कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, इसके जगह पे आपको लिखना है 1 1, 4² मतलब 16, 2³ (8), ये एक ब्रैकेट के भीतर था, ब्रैकेट के भीतर डाल दीजिए, 3 to the power -2, माइनस को रिमूव करना है, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 1/3² ठीक है। अब याद है कि 16 + 1 = 17, 17 से 8 माइनस करिएगा तो क्या आएगा 9 × 1/3² मतलब 1/9, 9 9 कैंसिल हो गया, क्या मिला 1, ये आपका हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 देखिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट दे दीजिए, 5 का स्क्वायर कितना 25 25, माइनस है, इसको रिमूव करने के लिए रेसिप्रोकल, तो 1/4 का रेसिप्रोकल 4, ऊपर क्या है स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ भी देखिए माइनस है, माइनस रिमूव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 4/3 का क्या स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए क्या मिला 25, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ से देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 - 16 कितना आया 9 आया, तो 9 × ये पार्ट से क्या मिला 9 × 16/9, 16/9, तो ये 9 कैंसिल हो गया, आंसर क्या मिला आपको 16, देखिए आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, कुछ नहीं है, सबसे पहला तो इसको सिंप्लीफाई करने का काम करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, कुछ भी नहीं है, फर्स्ट स्टेप इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ माइनस है इसको पॉजिटिव बनाना है, माइनस को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है रेसिप्रोकल, 16/81 2³/4। अच्छा एक बात बताइए, ये जो 16 है ये 2 to the power 4 आएगा, 81 3 to the power 4 आएगा, तो ये दोनों ही जो है इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2/3 to the power 4, ये मैंने इसके लिए लिखा, ऊपर पहले से क्या था 3/4, तो ये 4 और ये 4 रिड्यूस हो गया, अब जो आपको मिला वो क्या है 2/3 to the power 3, ये मिला आपको, एकदम सिंपल है। इसको थोड़ा और फर्दर यदि हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा 2³ कितना होता है 8 होता है, 3³ कितना होता है 27 होता है, सिंप्लीफाई तो हो गया, लेकिन आपको सिंप्लीफाई नहीं करना था, आपको क्या निकालना था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या होता है कि ये जो आंसर आपको मिला इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा, इस पूरे फ्रैक्शन को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा डेफिनेटली। इसका रेसिप्रोकल देखिए, इसका रेसिप्रोकल जैसे 27/8 से आप मल्टीप्लाई करो, 27 27 कट गया, 8 8 कट गया, तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, मतलब आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है ये आंसर का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल जो होगा जैसे 27/8 यही आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए, इसमें भी क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही निकालना है, 3/4 इस ब्रैकेट के भीतर देखिए नंबर क्या है 3/4, ऊपर देखिए माइनस है, सबसे पहला काम इस नेगेटिव साइन को रिमूव करना है, इस नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 3/4 जो था अब हो गया 4/3 ठीक है। अब ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसको मैंने रिमूव कर दिया, पॉजिटिव है 4 × 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 और 4 को रिड्यूस कर सकते हैं, 2 2 4,
अब देखिए जो आपको वैल्यू मिला वो क्या मिला, 4/3 पावर क्या मिला 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 16/9। हमें निकालना क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब इसका रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल क्या है, 9/16। बस ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, इसमें भी हम लोग को वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढना है, लेकिन करना क्या है, सिंप्लीफिकेशन। यहाँ एक बात ध्यान से देखिए, इन सब का बेस सेम है, ये 5/7 है, ये भी 5/7 है, ये 5/7 है। एक्सपोनेंट्स में हम लोगों ने सीखा है कि जब भी बेस सेम हो और बीच में साइन मल्टीप्लाई का हो तो पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। बेस सेम हो बीच में डिवाइड हो तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। बस उसी प्रिंसिपल से हम लोग देखिए इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ बेस सबका सेम है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5/7, ये लिखा हमने। ऊपर देखिए क्या था, -2, ये क्या था +4, बीच में क्या है डिवाइड, तो माइनस करना होगा -3। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए तो यहाँ से क्या मिला, 5/7 टू होल 4 -2 कितना 2, 2 -3 मतलब -1। अब इस माइनस को रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, इसका रेसिप्रोकल करना होगा। ये 7/5 सिंप्लीफाइड वैल्यू है, निकालना क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल क्या मिलेगा, 5/7। ये हुआ आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए, ये क्या क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 16^-2 एज अ पावर विद अ बेस ऑफ 2। इसको बेस ऑफ 2 में एक्सप्रेस करना है 16 को। अच्छा एक बात बताइए, 16 का जब आप फैक्टर करते हैं तो क्या मिलता है, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। यही तो है, देखिए कितने बार 2 है, 1 2 3 4, 4 बार है। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या था, 16^-2, इसको 2 के बेस में एक्सप्रेस करना है। तो 2^2 कितना, 1 2 3 4, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2^4। ऊपर क्या है, -2, ऊपर क्या था, -2, तो ये क्या हो गया, 2^4 × -8, 2^-8। बस यही करना था, इसका हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, एक्सप्रेस 125^-4 एज ए पावर विद बेस ऑफ 5, बेस ऑफ 5। ये क्या है क्वेश्चन आपका, 125 टू द पावर -4, 5 का कितने बार में, 5 5 25 25 5 कितना, 125, मतलब ये है 5 का क्यूब इंटू क्या, -4। इसको क्या हो गया देखिए, 5^-12। बस ये एक्सप्रेस हो गया, देखिए आंसर आपका आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। इसमें एक दो बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और साथ ही साथ उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में एक्सप्रेस करना है, नेगेटिव में नहीं। यदि आंसर नेगेटिव में भी आए तो हमें उसे पॉजिटिव में एक्सप्रेस करना है, काफ़ी आसान है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पकड़ते हैं, 5 का 1 देखिए क्या है, इसमें क्या करें, ये ब्रैकेट देखिए क्या है, 5/7 है, ऊपर ये स्क्वायर है, ये -1 है, ये -3 है। पहला एक काम करते हैं, ये दोनों ब्रैकेट को ही हटाते हैं। यदि ये दोनों ही ब्रैकेट को हमने हटा दिया तो क्या मिलेगा, देखिए 5/7 और ये 2 × -1 है, 2 × -1, तो 2 × -1 यदि हुआ तो ये क्या हो गया, -2 हो गया, ठीक है, और ये -3। क्या किया हमने, सिर्फ इसको और इसको मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप में मैं इस ब्रैकेट को रिमूव करना चाहता हूँ, इसके साथ साथ इसको भी रिमूव करना चाहता हूँ, तो अब क्या हो जाएगा देखिए, 5/7, अच्छा ये -2 × -3 क्या हो गया, -, प्लस हो गया, और ये 6 5/7 × 6, क्या करने बोला था, सिंप्लीफाई, तो ये हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया। एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो देखिए आपका आंसर जो आ रहा है ये एक्सपोनेंशियल में ही तो है,
एक्सपोनेंशियल विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो ये पॉजिटिव ही है। इसको फर्दर यदि आप चाहे, ये तो आंसर आ गया, यदि आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 to the power 6 by 7 to the power 6। देखिए आंसर आपका आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 5 का 2 देखिए, इसमें भी वही है, सिंप्लीफाई करना है, आंसर को एक्सपोनेंट्स फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में एक्सप्रेस करना है। ये देखिए क्या है, 2 by 7 to the power 2, तो इसको मैं वैसे ही रखता हूँ, 2 by 7 का होल स्क्वायर, ये माइनस है, इसको चेंज करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर दिए, तो ये 2 by 7 हो गया, 2 by 7 का क्या क्यूब हो गया, ये डिवाइड है, डिवाइड रहने दीजिए, ये देखिए क्या है, 7 by 5, ये माइनस है, ये भी माइनस है, इसको यदि हम एक पावर में कन्वर्ट कर दें तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 4 का क्या हुआ, 8 हुआ, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 by 5 to the power 8, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, दोनों का बेस सेम है, 2 by 7 into 2 by 7, दोनों का बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर को आप प्लस कर सकते हैं, तो इससे क्या हुआ, ये हो गया आपका 2 by 7 to the power, ये पावर 2 था, ये 3 था, तो ये 2 the power 5 हो गया, डिवाइडेड बाय 7 by 5 whole power 8। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, अच्छा एक बात बताइए, ये जो चीज़ हम लोगों ने लिखा, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 by 7 to the power whole 5 जो है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 to the power 5 by 7 to the power 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डिवाइड है, तो डिवाइड अभी रहने दीजिए, अच्छा 7 by 5 to the power whole 8, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 7 to the power 8 by 5 to the power 8, बिल्कुल लिख सकते हैं, अच्छा। अब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में यदि हम लोग चेंज करें, तो ये 2 to the power 5 था, 2 to the power 5, नीचे क्या था, 7 to the power 5, ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए, उल्टा हो जाएगा, अब यहाँ क्या दिख रहा है, 5 to the power 8, नीचे क्या दिख रहा है, 7 to the power 8। अब आप ध्यान से देखिए, क्या कुछ रिड्यूस हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऊपर जो दिख रहा है उसको लिख दीजिए, 2 to the power 5 into 5 to the power 8, नीचे देखिए दोनों का बेस सेम है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो पावर तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 7 to the power 13। अब आप ध्यान से देखिए, सिंप्लीफाई भी हो गया, एक्सपोनेंट में भी है और ये पॉजिटिव भी है, बस यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट में आइए, देखिए क्या है, इसमें भी वही सिंप्लीफाई करना है, आंसर को एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और वो आंसर पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स होने चाहिए। आइए इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, पहले क्या नंबर दिया हुआ है, देखिए 4 by 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर, देखिए 4 का स्क्वायर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलिए 4 का स्क्वायर कितना, 16, 5 का स्क्वायर 25, 5 to the power 4, मतलब 5 into 5 25 into 25, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 25 into 25, ठीक है, ये देखिए पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करें, 5 by 2, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल, ये क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड रहने दीजिए, डिवाइड रहने दीजिए, यहाँ भी देखिए नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, 2 by 5 whole cube, ठीक है। आगे आइए, यहाँ से देखिए ये 25 और ये 25 रिड्यूस हो गया, अब ऊपर क्या बचा, 16, ये क्या था, 25, ठीक है, अच्छा ये 5 का स्क्वायर कितना, 25, 2 का स्क्वायर 4, डिवाइड था, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, तो 5 का क्यूब मतलब 125, 2 का क्यूब मतलब 8,
टू का क्यूब क्या होता, 8 होता, ये 125 होता, 8/125 होता, लेकिन डिवाइड को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने उसका रेसिप्रोकल कर दिया 125/8। देखिए क्या आप कुछ रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 8 है ये 16 है, 8 2 16, इसको रिड्यूस कर दीजिए, ये 2 है ये 4 है, 2 2 4 हो गया, क्या बचा 25 25 और 125। हमें आंसर किस में चाहिए, एक्सपोनेंट में चाहिए, एक्सपोनेंट में चाहिए। 25 का मतलब क्या हुआ, 5 का स्क्वायर। अच्छा ये 25 का मतलब क्या हुआ, एक और 5 का स्क्वायर। 125 का मतलब क्या हुआ, 5 का क्यूब। नीचे क्या है, सिर्फ 2, नीचे क्या है 2। अब देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 5 to the power 3 plus 2 5 plus 2, कितना 7, 5 to the power 7 बाई 2, ये हो गया आपका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 5 का 4 देखिए, 8 to the power -1 into 5 to the power 3 बाई 2 to the power -4, इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लिखना है और आंसर जो वो पॉजिटिव होना चाहिए। आइए देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहला काम, ये 8 to the power -1 है, माइनस रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, 1/8 ऐसे लिखना होगा। ये क्या है देखिए, 5 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 2 to the power -4 है नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 to the power 4 ऐसे हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये 1/8, 8 का मतलब क्या होता है, 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब इंटू 2 to the power क्या 4। अब आप ध्यान से देखिए, ऊपर 2 का पावर कितना है 4, नीचे कितना है 3, ये ऊपर और नीचे का मतलब क्या हुआ, डिवाइड ही तो हुआ। अब डिवाइड में पावर क्या होता है, कम होता है, माइनस करते हैं माइनस, तो ये क्या बचेगा, 2 to the power 4 minus 3, तो सिर्फ 2 to the power 1, ये क्या है 5 to the power 3, बस यही आपका आंसर हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए, सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है और आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। चले ठीक है, काफ़ी सिंपल है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये -2 है, पावर देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो एक सिंपल एक पावर बना लेते हैं, दो अलग अलग पावर दिख रहे हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -2 to the power whole 6 ऐसे लिख लिए। ये पावर माइनस में है तो 1/5 का क्यूब ऐसे लिख लिए। चलिए ठीक है, ये डिवाइड है, अभी इस डिवाइड को रहने दीजिए, 5 to the power -5, तो इसको हम लोग 1/5 to the power 5 ऐसे लिख सकते हैं, नेगेटिव था ना, नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए रेसिप्रोकल। किसी के ऊपर भी पावर जीरो होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत वहाँ नहीं है, ये तो हो गया। अच्छा अब क्या किया जाए, ये देखिए -2 to the power 6 है, इसको वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि आंसर हम लोगों को किस में चाहिए, एक्सपोनेंट में चाहिए। ये प्लस है, प्लस रहने दीजिए, ये क्या है 1/5 का क्यूब, 1/5 का क्यूब ठीक है। ये डिवाइड है, इसको यदि मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब 5 to the power 5, ये -1 ठीक है। अब ये देखिए 5 to the power 3, 5 to the power 5, ये ऊपर ये नीचे मतलब क्या है, डिवाइड ही तो हो रहा है, डिवाइड मतलब पावर माइनस, पावर माइनस, 5 minus 3 कितना बचेगा, 5 to the power 2 पॉजिटिव ऊपर बचेगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 to the power 6 प्लस 5 to the power 2 minus 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, माइनस है और पावर इवन है, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 to the power 6 क्या हुआ देखिए, 2 4 8 16 32 64 64, यहाँ से क्या मिलेगा 64, 5 का स्क्वायर कितना मिला 25 और ये -1,
अब बस इसका कैलकुलेशन ही तो करना है। 64 प्लस 25 कितना हुआ? 89। 89 माइनस 1 कितना मिला? 88। बस ये जो 88 आपको मिला, लेकिन क्या ये आंसर हुआ? जी नहीं, रुक जाइए, आपको सिंप्लीफाई तो करना था आंसर, लेकिन किस में लिखना था? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्या ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है? जी नहीं। 88 को आप ऐसे भी तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 to the power 3 इंटू 11। क्यों? क्योंकि 8 इंटू 11 कितना होता है? 88। बस यही हो गया आपका आंसर। चलिए इसको कॉपी करिए। सो क्वेश्चन नंबर 6 का 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 क्या है? सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वही है। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसका सिंप्लीफाई कैसे करें? याद देखिए, ये बेस सेम है, 3 to the power -5, 3 to the power 2 डिवाइडेड बाई 3 to the power -6। ये तीनों जो है बेस जो है वो तो 3 है, तो इसको तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 3 बेस है, ऊपर क्या -5 प्लस 2, ये डिवाइड है तो माइनस होना चाहिए, और माइनस क्या हो गया? ये प्लस हो गया। चलिए ये प्लस है तो प्लस रहने दीजिए। ये क्या है? 2 का स्क्वायर है 4 इंटू 3 12, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। माइनस है, इसको रिमूव करने पे क्या होगा? रेसिप्रोकल 3 बाई 2। 2 to the power -1 रेसिप्रोकल 1 बाई 2। वहाँ भी देखिए माइनस है तो रेसिप्रोकल कितना? 19, ठीक है। अच्छा, 6 plus 2 8, 8 minus 5 3, मतलब 3 का क्यूब प्लस 144। इन दोनों को यदि आप ऐड कर दे तो 3 by 2 plus 1 by 2 कितना हुआ? 4 by 2। 4 by 2 मतलब 2, 4 by 2 मतलब 2, मतलब दोनों का एलसीएम आपने 2 लिया तो 3 plus 1 4 by 2, तो 2 हो गया। अच्छा, प्लस ये क्या है? 19। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 3 का क्यूब 27। अच्छा, प्लस बाकी सब देख लीजिए क्या है, 144 प्लस 19 प्लस 2 कितना हुआ? 21। अब इन सब को यदि आप ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है देख लीजिए, 144 27 और क्या है? 21। इसको ऐड करना है, 8 plus 4 12, कैरी 1, 4 6 8 1 9, 192। क्या मिला? 192। लेकिन आंसर आपको किस में लिखना है? आंसर लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 192 को यदि आप ब्रेक करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 9 18, 1 2 6 12, फिर 2 से 2 4 8, 2 8 16, फिर 2 से 2 कितने बार में? 24, फिर 2 से 2 कितने बार में? 12 बार में, फिर 2 से 2 कितने बार में? 6 में, 2 कितना? 3, और 3 कितना? 1 बार में। तो क्या मिला देखिए, 1 2 3 4 5 6, तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 to the power 6 इंटू 3, ये हो गया आपका आंसर। आइए इसको कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। सिंप्लीफाई करना है, एक्सपोनेंट में आंसर को एक्सप्रेस करना है, बट एट द सेम टाइम आंसर आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में चाहिए। यहाँ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में आंसर चाहिए। काफ़ी सिंपल है, कुछ नहीं है। देखिए 7 का फर्स्ट पार्ट, 5 का क्यूब क्या है ये? 5 का क्यूब, ठीक है। ये क्या है देखिए, 4 by 5 का होल क्यूब। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 का क्यूब by 5 का क्यूब? ये देखिए, ये तो कट गया, 4 क्यूब ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल हो गया। क्या बचा? 4 का क्यूब। लेकिन आंसर किस में चाहिए हम लोग को? नेगेटिव एक्सपोनेंट में। तो क्या इसी को हम लोग 1 by 4, ये माइनस नहीं है, 1 by 4 to the power -3 लिख सकते हैं ना। कभी भी पॉजिटिव को नेगेटिव एक्सपोनेंट बनाना हो, पावर को नेगेटिव बनाना हो, आप ऊपर 1 दे दीजिए, ऊपर 1। ये 4 था, इसको उल्टा करिए, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 by 4 1 by 4, और जो पावर था वो नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए आपका फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट, 3 by 7 to the power -2 है ये -3, इसको एक एक पावर में चेंज करते हैं। मतलब क्या,
ये 3/7, 3/7 माइनस 2 इंटू माइनस 3 कितना हुआ प्लस 6, माइनस 2 इंटू माइनस 3 कितना प्लस 6। देखिए एक सिंपल में अब क्या चाहिए, सॉल्व तो हो ही गया, सिर्फ इसको नेगेटिव एक्सपोनेंट में चेंज करना है। तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, 7/3 पावर क्या हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, बस हो गया हो गया। इसको देखिए 5/9 टू द पावर क्या है माइनस 2, नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव पावर करने के लिए क्या करना होगा रेसिप्रोकल। तो ये 9/5 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर ठीक है। ये देखिए 5/3 का स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। डिवाइड है, डिवाइड रहने दीजिए, 1/5 टू द पावर माइनस 2 है, माइनस को रिमूव करने से क्या होगा रेसिप्रोकल, तो 5 का स्क्वायर ठीक है। ये 9 था, ध्यान से देखिए ये क्या है 9 है, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4। ये 5 है, इसका पावर 2 है, तो 5 का स्क्वायर ऐसे एक्सप्रेस हो गया। यहाँ पे देखिए क्या है, ये 5 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर, डिवाइड था इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/5 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये पावर, इसको आप इसको काट दीजिए, ये 3 टू द पावर 4 है, ये 3 टू द पावर स्क्वायर है, 2 है, तो 4/2 माने 4 माइनस 2, तो पावर कितना रह गया ऊपर, पावर कितना रह गया 2, तो ये 3 टू द पावर 2, नीचे क्या रह गया 5 टू द पावर 2, मतलब 3/5 का होल स्क्वायर। लेकिन आंसर तो आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट में चाहिए, नेगेटिव एक्सपोनेंट में चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल क्या मिलेगा 5/3 टू द पावर -2। देखिए ये आपका आंसर आ गया, इस तरह से 7 का 1, 2 और 3 कंप्लीट हो गया। इसे कॉपी कर लीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफाई 49 × z^-3 7 × 10 × z^-5। कुछ ना कुछ नहीं है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, काफ़ी सिंपल है। देखिए ये क्या है 49, अच्छा ये 49 जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर ठीक है, × z^-3 क्या है ये -3 है, ये -3 ठीक है। नीचे देखिए 7 टू द पावर -3, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, 7 टू द पावर -3, ये 10 एज इट इज़ रहने दीजिए, × z^-5 क्या है -5। अब हम क्या करते हैं कि इसको भी ऊपर लेकर आते हैं, तो देखिए क्या है 7 का स्क्वायर, ये नेगेटिव पावर है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है, × z^-3 क्या था -3, ये z^-5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव पावर, पावर चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, ये हो गया। नीचे क्या रहा 10, इसको रहने दीजिए, 7 का स्क्वायर × 7 का क्यूब, देखिए बेस सेम है, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या होगा प्लस हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 7 टू द पावर 5, ये मिल गया। 5 - 3 क्या मिला z^2, z^2 स्क्वायर, नीचे क्या था, नीचे देखिए क्या था 10, बस ये 10, देखिए ये पार्ट का आंसर आ गया। आइए इसके सेकंड पार्ट में, 8 के सेकंड पार्ट में, ये क्या है 9 का क्यूब × 27 × t^4 / 3² × 3^4 × t^2, इसको सॉल्व कैसे करें, ये 9 का क्यूब है रहने दीजिए, 27 इसको भी रहने देते हैं, ये क्या है t^4 ठीक है। अच्छा ये क्या है देखिए 3 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ 9। अब ये 3^4 जो है इसको आप 3² × 3² ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साथ में ये t² इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये 9 है, ये 27 है, 9 × 3 = 27 कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये 9 का क्यूब है मतलब 9 × 9 × 9 ठीक है, इंटू क्या है t^4। नीचे देखिए 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 9, 3 के स्क्वायर का मतलब 9 × t^2,
तो यहां से देखिए 9 से ये 9 कैंसिल, 9 से ये 9 कैंसिल। अब क्या बचा, ऊपर देखिए 9 है, नीचे देखिए टी टू दी पावर 4 बाई टी का स्क्वायर, टी टू दी पावर 4 बाई टी का स्क्वायर, बेस सेम है, एक ऊपर एक नीचे है, तो पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा, टी का स्क्वायर। देखिए आपका ये सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट, इसे भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। आइए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स में हम लोग करेंगे। 3 टू द पावर माइनस 2 टू द पावर क्या है, 2 है, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3 टू द पावर माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए क्या है, 5 है, तो ठीक है 2 इंटू माइनस 3 कितना, माइनस 6। ये क्या है, टी टू द पावर माइनस 3 इंटू 2 कितना, माइनस 6, ठीक है। नीचे आइए, 3 है, 3 है, 3 टू द पावर माइनस 2 इंटू 5 क्या है, माइनस 10, माइनस 10 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 इंटू टी टू द पावर माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12। सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इन सबको ऊपर लेकर आएंगे, ऊपर लेकर आएंगे। देखिए काफी सिंपल है, 3 टू द पावर ये क्या है, माइनस 4, ये नेगेटिव पावर है, ऊपर आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव पावर का साइन चेंज हो जाता है नीचे से ऊपर आने पे। ये क्या है देखिए, 5 टू द पावर माइनस 6, नीचे देखिए माइनस 6 था, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 5 टू द पावर 6, ठीक है। ये क्या है, टी टू द पावर माइनस 6, नीचे क्या है माइनस, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो टी टू द पावर प्लस 12। अब देखिए बेस सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इन दोनों का क्या हुआ, 3 टू द पावर 10 माइनस 4 6, ठीक है। ये माइनस 6 प्लस 6 0, मतलब 5 टू द पावर 0, माइनस 6 प्लस 12 टी टू द पावर 6। एक बात तो आप जानते ही हो, किसी के ऊपर भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, 1। तो यहां से जो आंसर डिराइव होगा वो क्या होगा, 3 टू द पावर 6 इंटू टी टू द पावर 6। ये पार्ट हो गया। आइए इसका फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट। ये क्या है, 2 टू द पावर माइनस 5, इसको रहने दीजिए वैसे ही माइनस है। अच्छा ये जो 15 है इसको हम लोग ऐसे भी तो एक्सप्रेस कर सकते, 3 इंटू 5 15 टू द पावर माइनस 5, और ये जो 500 है इसको कुछ नहीं करना है, इसको रहने दीजिए, ठीक है। इसके बाद का स्टेप देखिए, ये क्या है, 5 टू द पावर 6 माइनस 6, इसको रहने दीजिए। ये 6 है, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 6, टू द पावर क्या है माइनस 5, ये लिख दिए। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में ये 2 टू द पावर माइनस 5, तो ये 2 टू द पावर माइनस 5 इंटू, ये जो माइनस 5 है ये दोनों के लिए पावर है, तो ये 3 टू द पावर माइनस 5 इंटू 5 टू द पावर माइनस 5 इंटू 500 बाई, नीचे देखिए क्या है, 5 टू द पावर 6, तो 5 टू द पावर 6, ये 2 के ऊपर क्या पावर है, माइनस 5 का, तो 2 टू द पावर माइनस 5 इंटू 3 के ऊपर माइनस 5 का। नेक्स्ट स्टेप, इन सबको ऊपर लाना है, ऊपर लाना है, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या है, 2 टू द पावर माइनस 5, और देखिए बेस 2 का कोई नंबर है नीचे है, क्या है, माइनस में है, पावर साइन चेंज कर दीजिए, तो ये 2 टू द पावर 5 हो गया। अब इसके साथ देखिए 3 टू द पावर क्या है, माइनस 5, ऊपर था नीचे, ऐसा कोई 3 का बेस है, क्या पावर है, माइनस है, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का बेस हो जाएगा, 2 और 3 का लिख दिया आपने। अब देखिए 5 का,
फाइव टू द पावर ऊपर क्या है माइनस फाइव, उसको एज इट इज लिखा। नीचे क्या कोई फाइव का बेस है फाइव टू द पावर सिक्स है, ऊपर आएगा तो क्या होगा फाइव टू द पावर माइनस सिक्स इंटू ये 500 एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या सेम बेस है पावर प्लस, ये माइनस टू फाइव प्लस फाइव क्या हो गया जीरो, टू टू द पावर जीरो, माइनस फाइव प्लस फाइव जीरो, थ्री टू द पावर जीरो, ठीक है। फाइव में देखिए माइनस फाइव माइनस फाइव और ये क्या है माइनस सिक्स, क्या हो गया माइनस इलेवन, यहाँ मिला फाइव टू द पावर माइनस इलेवन, ठीक है, इंटू कितना 500। अच्छा ये देखिए ये क्या था आपका 5 टू दी पावर माइनस फाइव था, नीचे क्या था 6 था, ये 6 नहीं था ये माइनस सिक्स था, देखिए 5 टू दी पावर माइनस सिक्स था, माइनस सिक्स था, तो ऊपर आएगा तो ये आएगा प्लस सिक्स, ये प्लस सिक्स हो गया, तो 6 माइनस फाइव वन मतलब ये 5 इंटू क्या है 500, टू टू द पावर जीरो क्या 1, थ्री टू द पावर जीरो 1, तो बचा क्या 500 इंटू 5 मतलब 2500, ये हो गया आपका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बाय व्हाट नंबर शुड 3 बाय माइनस 2 टू द पावर होल माइनस 3 बी डिवाइडेड टू गेट 2 बाय 3 टू द पावर स्क्वायर होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। What number? तो let the number be x. पहला step, let the number be x. एकदम simple question है देखिए, let the number be x. number को हम लोगों ने x let कर लिया। अब question को ध्यान से पढ़िए, by what number should this be divided? इसको divide करना है किसको, 3 by माइनस 2 का होल टू द पावर माइनस 3 को डिवाइड करना है किससे, नंबर से। तो वो नंबर क्या था x, हम लोगों ने लेट किया, डिवाइड करने पे क्या रिजल्ट मिलेगा 2 by 3 का होल स्क्वायर। बस अब यहाँ से सॉल्व करके हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है, जो काफ़ी सिंपल है, देखिए कुछ भी नहीं है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल, लेकिन ये साइन अपने जगह पे ही रहेगा, तो इसको माइनस, इसको रेसिप्रोकल यदि आपने कर दिया तो ये क्या मिला माइनस 2 by 3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स, यहाँ से देखिए ये क्या मिला 4 by 9, ठीक है, 2 का क्यूब क्या 8, 3 का क्यूब 27 मतलब माइनस 8 by 27, ये इसको खोला हम लोगों ने, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ये 1 by x इक्वल्स टू क्या हुआ 4 by 9, ठीक है। अब ये पूरा पार्ट को मैं यहाँ भेजना चाहता हूँ तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से मिला आपको 1 by x, 1 by x इक्वल्स टू क्या है, पहले से इधर क्या था 4 by 9 इंटू ये चीज इधर से इधर आया मतलब 27 बाई माइनस एट, क्या रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, देखिए 9 3 ज़ा 27, 4 2 ज़ा 8, तो ये जो मिला आपको क्या मिला 1 by x क्या मिला आपको 3 by -2 मतलब -3/2 मिला। इसका उल्टा हमको तो x चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो x इक्वल्स टू क्या हुआ 2 by 3, बस ये जो x निकला यही आपका नंबर था और आंसर आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 9 to the power m डिवाइडेड बाई 3 to the power -2 इक्वल्स टू 9 to the power 4, ऐसे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट भी होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इसे करना काफी आसान होता है, काफी आसान। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये था आपका 9 to the power m ठीक है डिवाइडेड बाय 3 to the power -2 ठीक है इज इक्वल्स टू 9 to the power 4, ये है हम लोग का क्वेश्चन। अच्छा ये देखिए इसका बेस क्या है 9 का है, इसका बेस क्या है 3 का है,
एक काम करते हैं, इन सबको थ्री का बेस बना लेते हैं। तो ये नाइन क्या होता है, थ्री का स्क्वायर, साथ में ये क्या है, एम है, तो ये टू टू दी पावर एम हो गया, डिवाइडेड बाय थ्री टू दी पावर माइनस टू। ये देखिए क्या है, नाइन है, मतलब थ्री का स्क्वायर पावर कितना था, फोर, तो इंटू फोर। बेस दोनों का देखिए सेम है, बीच में क्या है, डिवाइड, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, थ्री टू दी पावर टू एम। डिवाइड होने पे क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं, लेकिन पहले से यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ देखिए थ्री टू दी पावर ये क्या हुआ, टू फोर ज़ा एट हो गया। अब देखिए दोनों तरफ बेस सेम है, बीच में क्या है, इक्वल टू है। जब बेस सेम हो और बीच में इक्वल टू हो तो हम लोग पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पावर क्या था, 2m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। फिर देखिए 2m इक्वल्स टू क्या, 8 माइनस 2 कितना हो गया, 6 हो गया। इससे फिर m क्या मिलेगा, 6 बाई 2 3। देखिए ये m ही तो निकालना था आपको, क्या फाइंड करना था, m फाइंड करना था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ पे m कितना मिला, 3 मिला, बस ये आपका आंसर हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, माइनस फाइव टू दी पावर सेवन, माइनस फाइव बाई सेवन का होल पावर माइनस फोर इंटू माइनस फाइव बाई सेवन का पावर 12 इक्वल्स टू माइनस फाइव बाई सेवन का होल पावर 3, फिर होल ब्रैकेट पावर x इंटू माइनस फाइव बाई सेवन टू दी पावर माइनस 1। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। ये सिंप्लीफिकेशन भी काफ़ी आसान है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये दोनों देखिए बेस दोनों का सेम है, ये दोनों का बेस सेम है, मतलब 5/7 ये माइनस 4 प्लस 12, बेस सेम होगा तो पावर क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं ना, ये हो गया। यहाँ से देखिए माइनस 5/7 का ये क्या था, होल क्यूब और ये x, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस 5/7 3 इंटू एक्स क्या हुआ, 3x इंटू माइनस 5/7 और इसका पावर क्या है, माइनस 1। इसका मैंने ये नेगेटिव पावर चेंज नहीं किया, क्यों, क्योंकि देखिए बेस दोनों का सेम है, ऐसे करने में ज़्यादा आसानी होगी। क्या करना है देखिए, माइनस 5/7 होल पावर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 4 8। यहाँ से देखिए क्या है, माइनस 5/7, यहाँ भी देखिए इन दोनों का बेस क्या था, सेम था, पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 3x माइनस 1 हो गया। ध्यान से देखिए दोनों बेस सेम है, बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो आप पावर को कंपेयर कर सकते हैं, मतलब 8 इक्वल्स टू क्या, 3x माइनस 1, माइनस है इधर आएगा तो क्या हो, प्लस, मतलब 9, 9 इक्वल्स टू क्या, 3x, 9 इक्वल्स टू 3x है, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 9/3, मतलब यहाँ से जो x मिला वो क्या है, 3, बस आंसर आ गया आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड x इफ -2/3 टू द पावर -13 इंटू 3 टू द पावर, देखिए 3/-2 टू द पावर 8 इक्वल्स टू -2/3 होल -2x+1। इसमें क्या करना है, x फाइंड करना है, मतलब बेसिकली क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करिए अपने आप ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या है आपका, -2/3 होल टू द पावर क्या है, -13, रहने दीजिए। यहाँ देखिए ये 3/2 है, ये 2/3 था, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो बेस सेम हो जाएगा। इसको रेसिप्रोकल करने के लिए, जैसे इसको 2/3 बनाने के लिए क्या करना होगा, पावर को चेंज करना होगा, माइनस करना होगा, नेगेटिव पावर करना होगा, इक्वल्स टू -2/3 इसका होल पावर क्या है, देखिए -2x+1। देखिए सम्स कितना सिंपल हो गया, बेस दोनों का सेम हो गया, बेस दोनों का सेम हो गया, तो -2/3। अब ये क्या है, -13 -8 -21 ये आ गया, इक्वल्स टू क्या है, ये -2/3 होल पावर क्या है, ये -2x+1। देखिए दोनों तरफ बेस तो सेम है, इक्वालिटी का साइन है, तो पावर को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये क्या मिला, -21 इज इक्वल्स टू -2x+1। ये -2x है, इसको इधर लेकर आइए तो ये प्लस हो गया, ये 1 है, इसको उधर भेज दीजिए तो ये +21 हो गया,
यहाँ से क्या मिला, 2x equals to 22, मतलब x का जो वैल्यू होगा वो 11। देखिए आपका आंसर हो गया, इसे कॉपी कर लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 13 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी। 13 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, 5 to the power 2x minus 1 equals to क्या है, 1/125 to the power whole x minus 3। इसको सॉल्व करना है, मतलब इसमें से हम लोग को x का वैल्यू चाहिए, यहाँ x का वैल्यू चाहिए। कैसे करेंगे देखिए, बहुत ही सिंपल है। 5 to the power क्या है, ये देखिए 5 to the power 2x minus 1, ठीक है। 125 क्या है, 5 का क्यूब है, मतलब 5 का क्यूब। अब ये बाहर में पहले से क्या पावर था, x माइनस 3 था। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या, ये 5 to the power 2x minus 1 इज इक्वल्स टू, अब इस पूरा चीज़ को यदि हम ऊपर लेकर आए तो पावर जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 5 to the power minus 3 और ये x माइनस 3, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ऐसा क्यों लिखा हम लोगों ने, ताकि देखिए अब ये बेस सेम हो गया, जब ये बेस सेम हो गया बीच में इक्वालिटी का साइन है तो आप पावर को कंपेयर कर सकते हैं, मतलब 2x minus 1 इज इक्वल्स टू -3 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, इसको सॉल्व करना, कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2x minus 1, अब ये क्या है, -3x, माइनस माइनस क्या हुआ, +3, 3 = 9। एक्स को एक तरफ कर लीजिए तो ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2x + 3x इज इक्वल्स टू क्या, 9। ये माइनस है, माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3x + 5 2x क्या हुआ, 5x, कितना, 10। इससे x क्या मिलेगा, 2। देखिए ये पार्ट सॉल्व हो गया, ये पार्ट सॉल्व हो गया। आइए इसका सेकेंड पार्ट पे, ये क्या, इसमें n फाइंड करना है, इसमें n फाइंड करना है। ये 9 to the power n है, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 to the power 2n, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखिए क्या है, 3 to the power 5, इसको रहने दीजिए, 3 to the power 5। ये 27 है, 27 क्या होता है, 3 का क्यूब, और क्यूब इंटू 3, मतलब 3 to the power 9। इस पूरी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ऐसे क्यों लिख रहे हैं हम लोग, ताकि बेस को सिमिलर कर सके, बेस को सिमिलर बना सके। अब देखिए नीचे क्या है, ये 3 है पावर 1। 81 क्या होता है, 3 to the power 4, और ऊपर पावर क्या है, 4, मतलब 3 to the power 16, 4 4 = 16। ये क्या है, 27, मतलब 3 का क्यूब। अब आप ध्यान से देखिए, सारा टर्म 3 के बेस में आ गया, सब 3 के बेस में आ गया। ऊपर क्या है, 3, पावर सबको प्लस कर दीजिए, 9 + 5 कितना, 14, मतलब 2n + 14, ये n है, 2n + 14। नीचे क्या, 3 to the power 17, 1 + 16, 17 इज इक्वल्स टू क्या, 3 to the power 3। ये भी देखिए बेस तो सेम ही है, बेस सेम है, ऊपर नीचे मतलब डिवाइड, तो पावर क्या होगा, माइनस। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 to the power 2n + 14 - 17 इज इक्वल्स टू क्या, 3 to the power 3। अब आप देखिए बेस दोनों का सेम है, बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो आप पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ ऊपर क्या बचा हुआ है, ऊपर देखिए क्या बचा हुआ है आपका, 2n, तो ये 2n + 14 - 17, मतलब -3 इक्वल्स टू क्या, 3। ये माइनस है, उधर भेज दीजिए, क्या होगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 2n इक्वल्स टू क्या मिला, 6 मिला। इससे n कितना मिलेगा, 6/2, मतलब 3। देखिए यहाँ n का वैल्यू आपका 3 आ गया, बस ये आंसर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।